ओह, कंप्लेन इज बिंग हेल्ड ऑन सीएम हेल्पलाइन बाय बाय एनी पेशेंट. अरे बाप रे, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? चलिए, सो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. लेट नाइट न्यूज़पेपर में सबका स्वागत है. एंड दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट माय सेल्फ. अगर आप में से कोई भी चाहता है अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करना, यू कैन यूज माई रेफरल कोड VCSIR फॉर द 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन. एंड बाय द वे गाइस, कल भी अनाउंस किया था, कॉम्बो हैज बी मेड अवेलेबल. पता चला आप लोगों को? द कॉम्बो ऑफर हैज़ बी मेड अवेलेबल बाई अन अकेडमी, जिसमें ऑप्शनल प्लस GS का जो सब्सक्रिप्शन है कैन बी टेकन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एट एंड ओवर एंड अबव ऑल ऑफ दैट. यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट एन एनी वे यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज VCSIR. कोई भी अगर है आप में से, इफ एनी वन ऑफ यू विशेज टू टेक द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन डू सो यूजिंग दिस कोड एंड गेट द डिस्काउंट. बाय द वे, एनी वन न्यू टू आर सेशन टूडे? कोई आज नया है सेशन में? आज यार मैं लिंक देना भूल गया, तो आई थिंक काफ़ी लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए. आई डोंट नो, मे बी. सो 22 December के आर्टिकल्स हमारे सामने हैं. साइकेट, आई डोंट थिंक सो. मुझे अभी कन्फर्म नहीं है. आई डाउट दैट सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल अवेलेबल है. एक बार चेक कर लेना दो, जस्ट चेक ऑन दी अवेलेबिलिटी देर. मैं भी पूछ लूँगा एक बार, ठीक है ना? लेट यू नो. सो आर्टिकल है, द हाउस पैनल मूड्स लॉ टू कीप अ चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स. एक सेकंड, सो देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट विद सूटेबल लीगल प्रोविजंस टू कीप चेक एंड कंट्रोल ओवर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक. ये आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, सरकार को बोला था, दैट यू नो कीप अ चेक ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बिंग चार्ज बाई द प्राइवेट हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग पेंडेमिक, है ना? क्योंकि कहीं कहीं ये ऑब्जर्व किया गया था, इन सम प्लेसेज इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट हाई चार्जेस वर बिंग लेवीड, राइट? ज़्यादा चार्जेस हो रहे थे आपके यू नो बाई द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है? And that becomes a, so yes, so there was a proposal to keep a cap on the spending. ठीक है? So the committee strongly recommends a comprehensive public health act, preferably at a national level, right? This will keep a check and control over private hospitals, because they have been, you know, reports about them selling hospital beds at a very high rate. ठीक है ना? And there should also be a check on the black marketing of your medicines. What is black marketing? When we talk about black marketing, मतलब कि बहुत high rate पे without taxation आप किसी को sell करो, ठीक है ना? So that is, हाँ, high prices पे अगर आप sell करोगे without taxation, ठीक है ना यार? ये तो बहुत खतरनाक न्यूज आई थी यूके से. यू गाइस वुड रिमेंबर, कल ही दो दिन से न्यूज चल रही है दैट अ न्यू म्यूटेंट वेरियंट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑफ द कोरोना वायरस इन यूके. सो मार्केट एकदम से नीचे गिर गए थे, 3% डिक्रीज हो गया था मार्केट में सेंसेक्स का. दो आज फिर से थोड़ा ऊपर बढ़ा है, बट वर्स्ट सिंगल डे फॉल इन 7 months. बढ़ते जा रहा था, सेंसेक्स वॉज इंक्रीजिंग, बट देन एकदम से फिर ड्रॉप कर गए. तो फियर्स ऑफ रैपिडली स्प्रेडिंग न्यू स्ट्रेन ऑफ COVID-19 वैक्सीन कॉज अ ब्लड बाथ इन द इक्विटी मार्केट. क्योंकि 3% से आपका जो ये है, आपका इक्विटी मार्केट है, सेंसेक्स है, वो गिर गया था, ठीक है ना? मतलब ब्लड बाथ, मतलब यार वो मेटाफोरिकल है, यहाँ पे कोई ब्लड बाथ नहीं हो रही है. मतलब एकदम से ब्लड बाथ का मतलब यहाँ मान लो कि उथल पुथल हो गई है, ठीक है? उथल पुथल हो गया था उसके अंदर, ठीक है? हाँ. So and rupee also declined a 2-week low at 73.79 rupees versus the US dollar. Okay. So UK equities were also down about 2% से नीचे गिर गए थे. European equities also fell down. क्यों? Why do these equities fall down? एकदम से ऐसा क्यों हो गया? क्यों हुआ एकदम से ऐसा, आपको क्या लगता है? Because the new COVID-19 का जो ये वायरस है, उससे लोगों में डर बैठ गया कि कहीं फिर से लॉकडाउन वगैरह ना हो जाए, और उस डर के वजह से उन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स बेच दिए कि भाई पैसा वापस ले लो, मार्केट से पैसा निकाल लो.
सो इन्वेस्टर स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स, ठीक है ना, एंड वेन दे स्टार्ट शेयरिंग द सेल्स, सो मैं वही बोला था ना कि जो सोचते हैं लोग वो हो जाता है. सो पीपल स्टार्ट टू फील दैट अरे पैसा नहीं निकालेंगे अभी तो आपका शेयर मार्केट गिर जाएगा, और पैसा सब निकाल दिया तो शेयर मार्केट गिर जाता है. सो दैट इज वॉट हैपन्स वेन पीपल थिंक ऑफ समथिंग दैट हैपन्स इन द इकोनॉमी. सो उसी का एग्जाम्पल ये क्लासिक एग्जाम्पल है. सो बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज बैंड ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम यूके फ्रॉम ट्यूजडे मिड नाइट टिल डिसंबर 31st, क्योंकि ये जो हाईली इन्फेक्शियस कोरोना वायरस स्ट्रेन है दैट सीम्स टू बी स्प्रेडिंग इन योर इंग्लैंड, ठीक है, दिस सस्पेंशन वुड बी फ्रॉम योर 22nd December, एंड दैट नो एयरलाइन ऑपरेशन फ्रॉम एनी कंट्री वुड बी अलाउड टू ब्रिंग अ पैसेंजर हु हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम यूके टू इंडिया, ठीक है ना, राइट. सो ये है. बेल्जियम, नेदरलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, इजराइल हैव ऑलरेडी सस्पेंडेड द यूके फ्लाइट. सो बाकी कंट्रीज भी कर चुकी हैं, ठीक है ना, राइट. सो दिस इज द फंडा. नाउ अगला आर्टिकल है न्यू इरिगेशन मॉडल. ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था. न्यू इरिगेशन मॉडल टू हेल्प डेजर्ट विलेजर्स. सो एक्सपेरिमेंट्स हैव इंडिकेटेड अ हायर यील्ड ऑफ फार्म प्रोड्यूस बाय यूजिंग द प्रोसेस. को एक नया प्रोसेस है जिसको कहते हैं सब सरफेस पोरस वेसल्स. तो देख लीजिए आप, एक नया मॉडल है माइनर इरिगेशन, ठीक है ना, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट सब सरफेस पोरस वेसल्स, ठीक है, ये थार डेजर्ट में इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. सो जो ये सब सरफेस पोरस वेसल जो सिस्टम है इसने अपेरेंटली इंडिकेट किया हायर यील्ड ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड हैव ऑल्सो इंक्रीज द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द सॉइल, ठीक है. ये आपका यस जैसलमेर एरिया में किया जा रहा है क्या? व्हाट व्हाट इज व्हाट आर दे डूइंग इन दिस, एनी आइडिया? एनी आइडिया व्हाट इज द प्रोसेस हियर? सो बेसिकली द मॉडल हैज इफेक्टिवली मॉडिफाइड वाटरिंग बाय पिचर्स एंड कम्पीट्स विद ड्रिप इरिगेशन. सो बेसिकली क्या है, दे आर ट्राइंग टू डू प्रिसीजन एग्रीकल्चर. बेसिकली सुना आपने ये टर्म प्रिसीजन एग्रीकल्चर? व्हाट डज प्रिसीजन एग्रीकल्चर मीन? प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि यू ट्राई टू मेक श्योर दैट जो पानी है वो प्लांट्स तक सीधे पहुंच जाए, प्लांट्स के रूट्स तक पहुंच जाए. सो क्या कर रहे हैं, देखो सब सरफेस, व्हाट इज द सब सरफेस मीन, कि दिस इज से द सरफेस, तो इसके अंदर यहाँ पे नीचे नीचे देयर विल बी सम पाइप्स, उन पाइप्स के थ्रू पानी को पहुंचा देंगे वो लोग, ठीक है ना, ओके. सो पोरस वेसल्स को यूज करके दे आर यू नो डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ अ सब सरफेस पोरस वेसल मेथड. सो इनिशिएटिव जो है आपका आईआईटी दिल्ली का रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप ने सपोर्ट किया है, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प इन फूड सिक्योरिटी फॉर इंक्रीजिंग द माल न्यूट्रिशन, सॉरी फॉर रिड्यूसिंग द माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रेन, राइट, बिकॉज यील्ड बढ़ेगी तो ज़्यादा खाना मिलेगा, ठीक है ना. सो द आइडिया इज वही, पर क्रॉप मोर पर ड्रॉप मोर क्रॉप. हैव यू हर्ड ऑफ दिस स्लोगन? दिस इज इन लाइन विद दैट, पर ड्रॉप मोर क्रॉप. व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब वाटर एफिशिएंसी बेटर, एग्जैक्टली. सो बेटर वाटर एफिशिएंसी इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर, ठीक है ना. यार इसमें अब हाउ डज दिस हेल्प, हाउ डज दिस हेल्प इज इन इन सच अ मैनर कि दिस कैन बी अ न्यू मेथड दैट यू कैन सजेस्ट इन अ मेन्स आंसर्स, ठीक है ना. या आपके मेन्स आंसर में देखो, हम लोग सब लोग यूज करते हैं ना ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, है कि नहीं? एवरी वन इन योर मेन आंसर्स वुड यूज द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन. आप अपना आंसर अलग से कर सकते हो अगर आपने ये याद कर लिया कि देर इज दिस न्यू मेथड विच हैज बीन डेवलप्ड बाई IIT दिल्ली रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप नोन एज द सब सरफेस पोरस वेसल विच हैज बीन नोन टू हैव इंक्रीज द यील्ड विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन इन थार डेजर्ट एरिया, ठीक ना भाई. इस आपका जोधपुर एरिया जो है इन सब जगहों पे यूज किया जा रहा है SSPV मेथड, ठीक ना.
एडिटोरियल्स तो अभी हम लोग करते हैं, विल डू द एडिटोरियल्स इन इन सम टाइम, ठीक है ना। पहले बाकी आर्टिकल्स कर लेते हैं। दो एडिटोरियल्स अच्छे थे आज। हाँ पहले ही देख लेते हैं। ह्यूमंस आर स्टिल कोर टू, नहीं, ये भी एडिटोरियल है। हाय निहारिका, हाउ आर यू। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स बीइंग टेस्टेड फॉर नेवी यूज, राइट। सो ये गाइस फाइटर जेट्स, इनके नाम देख लीजिए, सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स, F/A-18, ठीक है। सो बोइंग जो है, इट हैज अनाउंस द सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कंपैटिबिलिटी ऑफ इट्स F/A-18 सुपर हॉर्नेट जेट विद द इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर, एंड दिस इज अ ह्यूज थिंग। व्हाई इज दिस अ ह्यूज थिंग? इट इज ह्यूज थिंग बिकॉज देन ये यूएस के जो आपके यू नो बोइंग एयरक्राफ्ट वाले, बोइंग कंपनी के जो ये एफ ए सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स हैं, दे कैन बी यूटिलाइज विद आर इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स। वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ फिर इंटीग्रेट हो पाएंगे, ठीक है। सो द डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द यूएस नेवी ऑन अ शोर बेस फैसिलिटी, राइट, हैज गिवन अ गुड चांस फॉर इंडिया टू नाउ यूटिलाइज दिस ऑल्सो, ठीक है ना। ये तो बोइंग का है, बोइंग का है, दिस इज बोइंग इज अ कंपनी, नाम दिवांशु इज बोइंग, राइट, कंपनी इज नेम इज बोइंग। सो ये फर्स्ट सक्सेसफुल एंड सेफ लॉन्च हुआ है इसका, ठीक है ना। अब इससे प्रोवाइड क्या होगा, इट विल प्रोवाइड सुपीरियर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी टू द इंडियन नेवी एंड ऑल्सो विल हेल्प अ कोऑपरेशन इन द टू कंट्रीज डिफेंस। तो आपको पता ही है हम लोगों ने कितने सारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। बिकॉज ऑफ दोस डिफेंस एग्रीमेंट्स ओनली दिस काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज पॉसिबल एंड फीसिबल, ठीक है ना। सो ये दोनों कंट्रीज की नेवीज के बीच में एक टाइप से कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि एज पार्ट ऑफ बोइंग्स प्रपोज्ड बाय इंडिया फॉर इंडिया सस्टेनमेंट प्रोग्राम, राइट, जो हॉर्नेट्स हैं, इट वुड बी सर्विस्ड इन पार्टनरशिप विद इंडियन नेवी। तो मतलब वी आर ट्राइंग टू यू नो क्रिएट अ पर्टिकुलर सिस्टम जहां पे इंडियन नेवी इटसेल्फ स्टार्ट्स टू सर्विस इट, एंड इन द लॉन्ग रन इंडिया वुड बेसिकली लुक फॉरवर्ड टू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सो दैट इंडिजीनियस डेवलपमेंट कैन ऑल्सो हैपन, इजंट दैट और नॉट। यही तो हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू गेट द टेक्नोलॉजी एंड देन वी ट्राई टू मैन्युफैक्चर दैट लोकली ऑल्सो, ठीक है ना। सो लेट्स सी हाउ मच वी आर एबल टू डू दैट इन द नियर फ्यूचर। ये तो बड़ा ही खतरनाक चीज थी, पाकिस्तान ड्रोन ड्रॉप्ड 11 ग्रेनेड्स इन पंजाब। सो पंजाब पुलिस सेट 5 डेज आफ्टर बस्टिंग अ ड्रोन मॉड्यूल विद इंटरनेशनल लिंकेजेस इन अमृतसर, 11 आपके हैंड ग्रेनेड्स हैव बीन ड्रॉप्ड बाय ड्रोन लॉन्च फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये तो भाई यार मैनेस कर ही रहे हैं, दे हैव केप्ट ऑन डूइंग दिस मैनेस, ठीक है ना। तो जस्ट पता होना चाहिए दैट ये रिसेंटली हुआ है। पुलिस ने AK-47 वगैरह यू नो मारने की कोशिश करी, बट दीज ड्रोन्स वेंट बैक एंड दे विल से हमने तो कुछ नहीं किया है, तो हमारा कुछ नहीं, ड्रोन हमारा नहीं है। ये तो चलो हमने मैंने पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाया था, यू गाइस वुड हैव रिमेंबर, वी हैव डिस्कस दैट ऑल्सो। पोस्टल बैलेट्स, तो द पोस्टल बैलेट प्रपोजल हैज बीन ब्रॉट इन यू नो ब्रॉट इन बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ओके। सो हाँ, बिकॉज अभी प्रपोजल ये है कि जो पोस्टल बैलेट है एज ऑफ नाउ इज अवेलेबल फॉर द सर्विस वोटर्स, इज इट और नॉट, सर्विस वोटर्स हैं। सो सर्विस वोटर्स जो होते हैं आपके, वही एलिजिबल है अभी पोस्टल बैलेट सिस्टम यूज करने के लिए। बट अब प्रपोजल ये हो रहा है कि वाई नॉट अलाउ द NRIs ऑल्सो टू वोट, ठीक है ना, ओके। सो द ऑफिशियल सेड दैट द इलेक्शन कमीशन हैड रिकमेंडेड द लॉ मिनिस्ट्री ऑप्शंस ऑफ द ओवरसीज इलेक्टर्स, आपका वोटिंग बाय प्रॉक्सी, पोस्टल बैलेट सिस्टम ऑल्सो, राइट, एंड आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टी। सो दे आर टू ऑप्शन, अभी जो ज्यादा प्रेस किया जा रहा है दैट इज द ऑप्शन ऑफ पोस्टल बैलेट, वो तो आप जानते हो, है ना। द अदर ऑप्शन इज योर प्रॉक्सी वोटिंग। वॉट डज प्रॉक्सी वोटिंग मीन? प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है? प्रॉक्सी वोटिंग होता है कि भाई कोई दूसरा बंदा जाकर के वोट करके आ जाओ, आपके नाम पे कोई और वोट करके आ जाए। सो दैट इज एक्चुअली ऑल्सो अवेलेबल फॉर सम ऑफ द इलेक्टर्स इन इंडिया, कुछ लोगों के लिए वो भी अलाउड होता है। बट एक प्रपोजल ये भी था कि NRIs को किया जाए, बट दैट कुड बी मिस यूटिलाइज टू अ बिग एक्सटेंट, कि भाई
16 मिलियन लोगों के लिए, अगर इंडिया के 16 मिलियन किसी को अप्रॉक्सी दे दो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो देयरफॉर दैट प्रपोजल डज नॉट सीम टू बी गोइंग फॉरवर्ड, बट रादर पोस्टल बैलेट सिस्टम सीम्स टू बी मोर इन लाइन विद द आइडिया दैट यू नो, बिकॉज मिस यूज बहुत होने के चांसेज हो सकते हैं अदरवाइज. दैट इज वाई पोस्टल बैलेट सिस्टम ही प्रपोज ज़्यादा किया जा रहा है. ठीक है ना, जैसे आपको आपको पता होगा कि इन अक्टूबर 2016 द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स वर अमेंडेड फॉर वन वे ETPPS और द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफिसर टू द इलेक्टोरल फॉर द सर्विस वोटर्स. सर्विस वोटर्स के लिए अलाउड है, राइट? वाई इज इट कॉल्ड योर वन वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफिसर टू द वोटर. एंड हाउ डज द वोटर सेंड इट बैक? यस, दैट इज बाय पोस्ट. दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिकली, रिमेंबर दैट. दैट इज वाई इट इज पार्शली इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ वोटिंग. ठीक है ना? हाँ, सो आप देख सकते हो द ETPPS सिस्टम फॉर द सर्विस वोटर्स, दैट इज आर्म्ड फोर्सेज पर्सन एम्प्लॉयड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया इज नाउ स्ट्रीमलाइन एंड वर्किंग सेटिस्फैक्टरली, राइट? सो नाउ दे वॉन्ट टू सी दैट इसको बाहर कर सकते कि नहीं. हाँ एग्जैक्टली, ये बैलेट वाला यूएस में भी इस बार हुआ था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हम लोग. हाँ, आई मेड द वीडियो आई थिंक यस्टरडे, कल बना था या डे यस्टरडे, आई थिंक यस्टरडे द वीडियो वॉज मेड ऑन पोस्टल बैलेट सिस्टम. नेक्स्ट इज NHRC seeks report on witchcraft in Orissa. What is witchcraft? ये क्या होता है? काला जादू. So NHRC, which is the National Human Rights Commission, is it a constitutional body? क्या NHRC constitutional body होती है? NHRC is not a constitutional body. It is a statutory body. It's a statutory body. ठीक है ना? स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो किसी लॉ के अंदर बनाई जाती है. ठीक है ना? सो NHRC और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट? हाँ, वो 1993 का प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर बनाया गया था. सो अभी व्हाट हैज हैपेंड इज इट हैज डायरेक्टेड द उड़ीसा चीफ सेक्रेटरी टू सबमिट अ रिपोर्ट अबाउट वॉट एवर स्टेप्स हैव बीन टेकन, राइट, यू नो, अगेंस्ट योर विचक्राफ्ट. एक्चुअली होता है, पता है आपको ये क्या होता है विचक्राफ्ट वाली एक्विजिशन का क्या सिस्टम होता है? वॉट सो बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे उड़ीसा में बहुत है, इट्स देर इन उड़ीसा, इट्स ऑल्सो देर इन सम अदर स्टेट्स. सो सम पीपल आर ब्लेम्ड कि भाई ये जो ना काला जादू करती हैं, और फिर उनको जला दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है. देर लॉट ऑफ वायलेंस, लॉट ऑफ मर्डर्स, वॉट लॉट ऑफ बर्निंग कि भाई ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल जला दो. पुराना वो नहीं होता है, सुना होगा आपने, राइट, कि ये तो जादू टोना करती रहती हैं, जादू टोना करती रहती है. इस टाइप से कुछ एक्विजिशन किया जाता है. ठीक है ना? एंड एट टाइम्स अ लॉट ऑफ स्केड्यूल कास्ट के लोग इसमें फंसते हैं. एट टाइम्स नॉट इवन स्केड्यूल ट्राइब्स, स्केड्यूल ट्राइब्स, ठीक है ना, स्केड्यूल ट्राइब्स वगैरह के जो लोग हैं वो काफी इसमें आपके प्रताड़ित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं. देयरफॉर द कमीशन हैज इशू डायरेक्शंस, राइट, टू द ओडिशा गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट अ रिपोर्ट कि आप क्या क्या कर रहे हो उसको बचाने के लिए. या इट्स देयर. इनफैक्ट You know that some states have passed the anti-witchcraft law. Did you guys know that? बताता हूँ आपको. महाराष्ट्र का था ना anti-witchcraft law, या नहीं, anti-witchcraft protection law, something of that sort. Let me just see कौन सा law था वो. क्या था वो? हाँ ये था, देखो. हाँ ये देखो, 2013 का law था, उसका नाम सुनिए बाप. महाराष्ट्र, ध्यान सुनिएगा, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013. ठीक है ना? तो ये एक्ट है बड़ा, उसको एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट कहते हैं. इट इज नोन एज द एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट. सो ऑकल्ट प्रैक्टिस वगैरह के इसमें ये सब चीज़ें बोली गई हैं. सो आप ये भी देख सकते हो कि द मिस्टर त्रिपाठी हैड डिमांडेड द स्टेट एजेंसीज टू एक्सपेडाइट प्रोब एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर दिस प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013. सो देख रहे हो, ओडिशा ने भी पास किया था ये प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट, क्योंकि विच हंटिंग बहुत की जाती है कि भाई ये चुड़ैल है इसको मार डालो. ठीक है ना? कि भाई ये इविल स्पिरिट है, ये इस टाइप के एलिगेशन करके लोग मार देते हैं
अजीब सा प्रैक्टिसेस होती हैं। अब ये तो पता ही, व्हाट इज बिहाइंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ओली इज मूव टू कॉल फॉर स्नैप पुल्स, इसके ऊपर मैंने आज वीडियो बनाया था। डिड यू गाइस वॉच दैट वीडियो? आज बनाया था कि व्हाई द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल हैज बीन यू नो आपका डिसॉल्व्ड, ठीक है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके लेट मी बता देता हूँ, आज यहाँ पर ही बता देता हूँ उसके बारे में। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दैट इस समय हु इज द रूलिंग, मतलब इस समय तो क्या, हु वाज रूलिंग, द प्राइम मिनिस्टर वाज केपी ओली, है ना। एंड केपी ओली के साथ एक उनके और लीडर हैं, बेसिकली क्या, केपी ओली इज पार्ट ऑफ सीपीआई, राइट, उनका एक वन ऑफ द फैक्शंस, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से ऐसा करके कुछ है। एंड देन देयर इज अनदर सीपीआई माओइस्ट, राइट, माओइस्ट सेंट्रिस्ट ऐसे करके है, जिसमें प्रचंडा लीडर है, जिसके लीडर है प्रचंडा। नाउ अपेरेंटली जब 2018 में अच्छा नहीं की गया, ओके आई यू शैल डू दैट, या मैं भूल जाता हूँ, आप मेरे को रिमाइंड कर दिया करो, जस्ट मैसेज में कि सर प्लीज शेयर द पीडीएफ, मैं भूल जाता हूँ पीडीएफ शेयर करना। एनीवे इतनी क्लासेस होती है ना कि एक क्लास खत्म होती है दूसरी क्लास शुरू हो जाती है, तो उसके बाद थक जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ फिर। चलिए, सो प्रचंडा जो है, अब फंडा ये था कि दोनों अलग अलग पार्टीज के हैं, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, बट डिफरेंट फैक्शंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज। ये लोग कोलिशन में आए और इन्हें सरकार बनाई। सो अपेरेंटली देयर वाज दीज टॉक्स कि भाई 2.5 ईयर्स केपी ओली रहेंगे पावर में, 2.5 ईयर्स प्रचंडा रहेंगे पावर में। नाउ अपेरेंटली केपी ओली डिड नॉट रिजाइन एंड प्रचंडा हैज देयरफॉर सिंस देन बीइंग हैज एंड अदर लीडर्स हैव बीन आस्किंग केपी ओली टू रिजाइन कि भाई हमारे जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें आप अमल रहिए। उसके अलावा प्रचंडा हैज ऑल्सो इन द रिसेंट टाइम्स बीन अ लिटिल प्रो इंडिया, नॉट कम्प्लीटली बट या प्रो इंडिया की तरफ से रहे, बिकॉज ही हैज अपोज केपी ओली स्टेटमेंट दैट यू नो इंडिया इज ट्राइंग टू डीथ्रोन हिम एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सो देयरफॉर ये इसके वजह से इनके बीच में झगड़े चल रहे थे। सो केपी ओली हैज नाउ डिसॉल्व द गवर्नमेंट, डिसॉल्व नॉट द गवर्नमेंट, डिसॉल्व द पार्लियामेंट इटसेल्फ, ठीक है, एंड कॉल फॉर न्यू इलेक्शंस। अब ये प्रचंडा और ये बाकी लोग क्यों गुस्सा हो रहे हैं इस पर, बिकॉज द आइडिया इज दैट ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास, हम दूसरी सरकार बना लेते, why did you have to you know जो इनका लेजिस्लेचर है उसको आपने क्यों डिसॉल्व कर दिया। सो देयरफॉर दे हैव नाउ गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। सो नाउ द ऑपोजिशन मेंबर्स, तो ऑपोजिशन क्या मतलब, ये जो आपके लीडर्स हैं, दे हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट एंड हैव सेड दैट केपी ओली डज नॉट हैव एनी राइट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात, राइट। सो ये है आपका फंडा। सो यही है पुष्पा कमल दहाल नाम इनका, प्रचंडा जिनको कहते हैं, ठीक है ना। एंड ही बेसिकली वॉज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ केपी ओली, सो दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब ये कि इफ केपी ओली कम्स बैक टू पावर विद अ बिगर मेजोरिटी, दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। बट इफ प्रचंडा कम्स टू पावर, देयर इज अ गुड चांस दैट यू नो आपका ये इंडिया के लिए थोड़ा बेटर रिलेशनशिप हो सकते हैं। हाँ ये वही 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 मैप वाले, करेक्ट। सो लेट्स सी अभी क्या है, अभी जो केपी ओली है इनके खुद के दुश्मन हो चुके हैं बहुत सारे, इनकी 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 खुद ही पॉलिटिकल पार्टी में दुश्मन हो चुके हैं। एंड देयरफॉर इट सीम्स, मेरा वीसी प्रेडिक्ट्स है कि ये वापस नहीं आ पाएंगे अभी, एज ऑफ नाउ ही वुड नॉट बी एबल टू कम बैक टू पावर, प्रचंडा ही बनेंगे एंड दैट इट विल बी गुड फॉर इंडिया। दिस इज माय वीसी प्रेडिक्ट्स, लेट्स होप फॉर अस फॉर द सेम, क्योंकि इसमें यार देखो कुछ भी कह लो, इनफैक्ट देयर इज अ थर्ड थिंग विच माइट बी हैपनिंग, पता है क्या, तीसरी चीज भी होने के चांसेस हैं विच माइट हैपन, विच इज द किंग कमिंग बैक, बिकॉज अपेरेंटली किंग सीम्स टू बी नाउ इंटरेस्टेड इन फाइटिंग इलेक्शंस। पता है आपको, ये जो किंग है ना वो इलेक्शन लड़के आना चाहते हैं, ब्रिजेंद्र या जो भी उनका नाम है, ही वॉन्ट्स टू यू नो फाइट द इलेक्शंस एंड वॉन्ट पावर, ही वॉन्ट्स पावर बैक, राइट, एंड ही ऑल्सो हैज अ सपोर्ट बेस। अब बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि वॉट काइंड ऑफ स्टैंड ही टेक्स, बिकॉज लास्ट टाइम अपेरेंटली वन ही वॉज देर इट वॉज नॉट सो गुड फॉर इंडिया। लेट्स सी अब क्या होता है, अब होता क्या है पता चलेगा, बहुत सारे नए नए लोग आगे खड़े हो गए अब। नेक्स्ट है NCAER says GDP growth likely to turn positive in quarter 3, yeah that will be good। so NCAER तो बोला है भाई 2% growth in the fourth quarter, that is
दैट इज गोइंग टू बी गुड यार, अगर 2% से ग्रो करने लग जाएंगे हम लोग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वार्टर, विच शोज दैट मे बी आगे हम लोग का जो वो कल बोला था ना कि नहीं, सी रंगराजन जी ने बोला था ना दैट 8% ग्रोथ रेट हमको चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वी माइट होपफुली रीच देयर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है ना। सो वही है कि द इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज लाइकली टू टर्न पॉजिटिव ऑफ 0.1% इन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, 0.1% से खुश हो रहे हैं हम लोग बताइए। एंड नेक्स्ट आपका जो जनवरी मार्च वाला जो क्वार्टर है उसमें शायद 2% ग्रोथ रेट हो सके, लेट्स सी हो जाए, इतना इतना भी हो जाए बहुत है। अगला आर्टिकल तो है, सेंटर ने फिर से नेक्स्ट राउंड ऑफ 6,000 करोड़ रुपीज ऑफ जीएसटी ड्यूज ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर किया? ऑब्वियसली दिस दीज आर द ड्यूज गिवन टू द स्टेट्स। तो सेंटर हैज रिलीज 6,000 करोड़ द स्टेट्स इन देयर जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज, एंड टोटली अभी तक इस ईयर में 48,000 करोड़ रुपीज इसी से दे चुके हैं, ठीक है ना। आपका अगर देखें अंडर द प्लान अराउंड 1.10 लाख करोड़ रुपीज इज ड्यू, एंड वैसे दी बाउंसिंग बैक ऑफ द जीएसटी सीम्स टू बी अ पॉजिटिव साइन कि अब शायद यू नो ये लोग लौटा पाएंगे, गवर्नमेंट विल बी एबल टू प्रोवाइड द कंपनसेशन। अगला है भाई कि द टी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज प्लान टू रोल आउट द न्यू इलेक्ट्रॉनिक ट्री ऑक्शन मैकेनिज्म इन कोयम्बटूर एंड कुन्नोर नेक्स्ट मंथ। सो बस पता होना चाहिए दैट ऑक्शनिंग सिस्टम चल रहा है, एंड द सिस्टम विल बी रोल्ड आउट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। व्हाट इज ऑक्शन? ऑक्शन क्या होता है? नीलामी बेसिकली, आपको पता होना चाहिए जो टी टी होते हैं ना, सो टी जो गार्डन होते हैं दे आर ऑक्शनड। डिड यू गाइज नो दैट टी गार्डन की ऑक्शनिंग होती है? दे आर ऑक्शन एंड देन उसके बाद उसका टी फिर सेल होता है, टी गेट्स सोल्ड आफ्टर द ऑक्शनिंग प्रोसेस इज डन, ठीक है ना। तो उनका द होल सिस्टम ऑफ योर टी गार्डन राइट, दे वर्क इन द ऑक्शन मेथड। प्लांटेशन होते हैं ना प्लांटेशन, सो हु विल गेट दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, एंड टी बोर्ड ऑफ इंडिया आपके उसमें यू नो बिकम्स द रेगुलेटर और द मीडिएटर। तो दे आर नाउ ब्रिंग अबाउट न्यू सिस्टम, ठीक है ना। नीलामी होती है, यस नीलामी इज डन। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं योर नेपाल इन टर्मोइल, यही तो मैं पूरे एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, इसमें कुछ और नया नहीं है। ठीक है ना। सो वही मेन क्रक्स ऑफ द मैटर इज द सेम थिंग विच आई मेंशन, मिस्टर ओलीज अथॉरिटेरियन इंपल्स एंड रिफ्यूजल टू शेयर पावर विद द माओइस्ट फैक्शन, समझ गए ना भाई, प्रचंडा मेड मैटर्स वर्स इन द रीसेंट मंथ्स। देर हैव बीन कॉल विद इन द एनसीपी द नेशनल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी फॉर ओलीज टू स्टेप डाउन ऑल्सो, एंड देयर फोर ही हैज नाउ डिजॉल्व द पार्लियामेंट इटसेल्फ, राइट। सो ओली डिसाइडेड टू सिंक हिज गवर्नमेंट, एंड अब लग रहा है कि मिस्टर ओली के अलग फैक्शन बनेगा, एंड मे बी द कंपनी विल इनकी जो कंपनी कह रहा हूँ इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी इट विल स्प्लिट, ठीक है ना। सो देयर माइट बी अ गुड इनफ चांस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू टू स्प्लिट हियर। नेक्स्ट यार आपका ये आया है द वायरस वेरिएंट, ये वही वाला यूके वायरस है। अब इसमें अपेरेंटली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इज दिस वायरस क्रिएटिंग क्या कहते हैं उसके क्या जो वैक्सीन एग्जिस्ट करती है वो इसके खिलाफ नहीं काम करती, ऐसा कुछ है? द आंसर इज नो, ठीक है ना। दैट इज अ द आंसर इज नो। ओनली थिंग विच सीम्स टू बी डिफरेंट हेयर इज दैट देर इज एन इंक्रीज ट्रांसमिटेबिलिटी, सो दिस सीम्स टू बी मोर एग्रेसिवली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पीपल टू पीपल। बाकी एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी वेरी सिमिलर टू द कोरोना वायरस इन टर्म्स ऑफ योर द डेथ रेट, एंड जो भी है ना जो भी डेथ रेट होती है रिकवरी रेट होती है वो सब सेम लग रही है, ठीक है ना। सो ये बात है। अब ये म्यूटेशन होते कैसे हैं? एनी आइडिया हाउ डज दिस म्यूटेशन हैपन? हाँ भाई, देर इज नो एविडेंस एज ऑफ येट दैट इट कैन कॉज एनी चेंज इन द डिजीज सीवरिटी और इंक्रीज द रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ये बोला गया कि कोई ऐसा ऐसा कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ है, राइट। बट द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है दैट एज द वायरस अक्यूमुलेट्स मोर म्यूटेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वैक्सीन माइट रिक्वायर माइनर ट्वीकिंग। सो देयरफॉर इसीलिए बोला ये जाता है कि भाई जितनी जल्दी आप वायरस वैक्सीन बनाओ उतनी जल्दी उसको लोगों को दे दो,
बिकॉज नहीं तो यार अगर आप वेट करते रहोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो म्यूटेट ना हो जाए, और म्यूटेट होगा तो देन वायरस में कुछ बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है. इज दैट क्लियर? तो ये है म्यूटेशन तो बाय चांस होते हैं, इट्स अ चांस एक्टिविटी. एग्जैक्टली, म्यूटेशन इज समथिंग विच जस्ट हैपन्स बाय चांस. हाँ, हाउ इट म्यूटेट इज बेसिकली, इट्स बाय चांस, इट्स अ चांस एक्टिविटी. इट बेसिकली नेचुरली हैपन्स. आपका म्यूटेशन इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट? आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस वगैरह के बेसिस पे भी इट कैन म्यूटेट, राइट? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिएक्शन विच इज बींग विच द यू नो विच इज बींग मेटेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस. ठीक ना, बायोलॉजिकली आपका आरएनए का वो पैटर्न चेंज होता है. आरएनए का जो पैटर्न है, बिकॉज इट्स आरएनए बेस्ड वायरस, तो आरएनए का जो वो है AGCT, दैट चेंजेस द डीएनए या आरएनए का जो स्ट्रैंड है उसके जो प्रोटीन का सीक्वेंस होता है वो चेंज होता है माइनरली. ठीक है ना. नेक्स्ट इज ह्यूमंस आर स्टिल कोर टू डिजिटल इंडिया. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो द आइडिया इज दैट ड्यूरिंग पेंडेमिक वी केम टू रिलाई ऑन वेरियस इंडिविजुअल्स टू एड्रेस आर डेली नीड्स. ठीक है ना, राइट? एंड देयर फोर ई गवर्नेंस वगैरह जो है, राइट, वो काफी हेल्पफुल रहा है, राइट? एंड इट हैज सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स. बट आपका साइमल्टेनियसली ह्यूमन्स जो है, द मेन आइडिया इज दैट ह्यूमन्स आर स्टिल कोर. बिकॉज भाई आपका अगर हम देखेंगे कि क्या सारी चीजें ऑटोमेट हो गई हैं, द आंसर इज नो. ठीक है ना, एवरीथिंग डज नॉट गेट ऑटोमेटेड. इवन इफ दी कलेक्शन ऑफ डेटा गेट्स ऑटोमेटेड, अ पर्सन इज हैज टू सिट एंड वर्क. ठीक है ना. या वॉट इज अप या श्रद्धा, आप तो एकदम बेसिक बायोलॉजी पहुंच गई. वॉट इज डिफरेंट बिटवीन आरएनए एंड डीएनए? डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हिलेक्स, आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड हीलेक्स. अब यार इतना ज्यादा अब आप गूगल कर लो फिर. अब इतना ज्यादा मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा कि पूरा आपको डीएनए आरएनए के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस बता दूँ. AGCT होता है, एक में AGCTU होता है. बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, मिल जाएगा आपको. इट्स वेरी बेसिक डीएनए आरएनए. हमारे बॉडी में जो होता है दैट इज डीएनए. व्हेन वी इट चेंजेस इनटू अ RNA, when you know say it is getting transmitted from your body to the baby, right? So reproductive cells में आपका change होता है into RNA. बहुत detail है यार, आप चाहो तो Google कर लो उसको. ठीक है ना. Yes. हाँ, अब वही आप देखो राय साहब, ये आप समझ पा रहे हो because you have studied it. जिसको नहीं समझ, जिसको नहीं पता कुछ उसके बारे में, उसको नहीं समझ में आएगा आपने जो लिखा है. इसीलिए कह रहा हूँ आप एक बार उसको ढंग से रीड कर लो. ठीक है ना. अब देखो फंडा क्या, जो इंटरमीडियरीज होते हैं दे हेल्प सिटीजन ओवरकम बैरियर्स टू अवेयरनेस, बिकॉज दे प्रोवाइड दी आपका यू नो दी डेटा. ओके, एंड एबिलिटी विच इंक्लूड्स द एबिलिटी टू नेविगेट दो सॉल्यूशंस विद ट्रस्ट. ठीक ना. सो इंटरमीडियरीज जो होते हैं दे सपोर्ट इंडिविजुअल बाय प्लेसिंग कंप्लेन, डायरेक्टिंग देम टू द राइट अथॉरिटीज एंड फॉलोइंग अप. सो द आइडिया इज दैट दीज पीपल हेल्प अस सी द गवर्नमेंट. सो आप समझ रहे हो कि बात क्या हो रही है. देर सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड सर्टेन आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट दी कटिंग एज, जो अभी भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो. मतलब फॉर सिंपल से चीज़ आपको बताता हूँ. मान लीजिए कि किसी को ड्राइवर लाइसेंस अप्लाई करना है, समझ रहे हो. अब मान लो आपने ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है, ठीक है, तब भी डाउट्स तो होते हैं लोगों के, तो वो किससे पूछेंगे. आर गेटिंग द होल लॉजिक. दे माइट बी सर्टेन क्लरिकल स्टाफ हु माइट बी अप्रोच्ड कि सर मैं कैसे करूं. अच्छा सर आप ऑनलाइन जाओ, यहां पे जाओगे ऐसे चीजें हो जाएंगी. तो दोज इंटरमीडियरीज आर स्टिल रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गवर्नमेंट सर्विस एट द डोर स्टेप ऑल्सो एंड टू डायरेक्ट पीपल बिकॉज दे हेल्प इन दिस पर्टिकुलर हेल्प. एंड बहुत बार क्या होता है कि इट इज योर एनकाउंटर विद दीज पीपल दैट डिटरमाइन योर परसेप्शन अबाउट द गवर्नमेंट, इज इट नॉट. मान लो कि आप जो ना किसी ऐसे स्टाफ के पास गए, आपके क्लरिकल स्टाफ के पास गए, कोई भी किसी के पास गए जिसने आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करी, बड़े पोलाइटली आपसे बात करी, हेल्प कर दी. ठीक है. एंड आप फिर आपका परसेप्शन क्या हो, यार वो सरकार कितनी अच्छी है,
कि उनके जैसे कि कितना अच्छे से उन्हें बात करी, कितनी अच्छे से हेल्प कर दी, मेरे काम आराम से हो गया। ऑन द अदर हैंड, इफ समवन इज़ वेरी रूड, वेरी इम्पोलाइट, तो आपको ये पता नहीं क्या ही सरकार है। सो दीज पीपल, दीज इंटरमीडियरीज एक्चुअली हेल्प द सिटीजन सी द गवर्नमेंट और इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। ओके, सो इंटरमीडियरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर ऑफलाइन आर्किटेक्चर्स दैट इनेबल द स्टेट टू डू इट्स वर्क बेटर, ठीक है ना। सो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, कम्युनिटी लीडर्स हो सकते हैं, विच कैन ऑल्सो हेल्प इन इन केस ऑफ योर प्रोवाइडिंग एंड डायरेक्टिंग पीपल टूवर्ड्स द राइट पाथ एंड हेल्पिंग इन गेटिंग दी सर्विस डिलीवरी, ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, कुछ जो ये इंटरमीडियरीज होते हैं दे कुड बी पॉलिटिकल, ठीक है, जो आपके से वो बीजेपी के हो जाएंगे या कांग्रेस के, वो नहीं होते कार्यकर्ता, वो भी हेल्प करते हैं, बट दे हेल्प बट दे वुड हैव अ बायस टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। वेर एज देर वुड बी सर्टेन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज विच माइट बी ए पॉलिटिकल, वो डिस्पाइट ऑफ योर एफिलिएशन, बिकॉज दे वुडन ऑल्सो हैव देर ओन एफिलिएशन, देर वुड हेल्प द डिफरेंट पीपल, ठीक है। सो द एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया इज दैट, जो पूरा इसने बात करने की कोशिश करी है, दैट टेक्नोलॉजी जो होगा वो बहुत हेल्प करता है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विच रिमेन्स इज दैट इंटरमीडियरीज की जरूरत अभी भी है आपको, ठीक है ना। सो हमको ये इंटरमीडियरीज जो है, जो हेल्प करते हैं, जो गाइड करते हैं, दोज आर स्टिल रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये आपकी आपका पूरा मेन मुद्दा था इस पूरे आर्टिकल का। बीइंग ए पॉलिटिकल इज अ पॉलिटिकल स्टेप, क्या बात है। सो गाइज, सो दीज वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे। इतने आज आज भी कम आर्टिकल्स आए थे, टुडे ऑल्सो लेस आर्टिकल्स ओनली केम, अच्छी बात है, कभी कभी कम आर्टिकल्स होने चाहिए। आएगा अभी एक दिन आएगा जिस जिस भर भर के आर्टिकल्स आ जाएंगे। आई थिंक दैट्स, लेट्स कीप इट टू दिस मच फॉर टुडे, राइट। हैव अ नाइस डे एवरीवन, सी यू गाइस टुमारो, देन कल मिलते हैं आप लोगों से, गुड नाइट एवरीवन। हाँ कल कल और आज जल्दी खत्म हो गए। या ओनली लेस आर्टिकल्स आर ओनली देयर टुडे। विच टेस्ट लिंक ललित, कौन सी टेस्ट की बात कर रहे हो आप? मॉक टेस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट इन 16 दिसंबर बैच, मॉक टेस्ट सीरीज। अच्छा ओके, सो ललित आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो ना, मैसेज में ऑन टेलीग्राम, आई रिप्लाई देयर विद द लिंक। आपने मेरे को कहाँ मैसेज किया है? अच्छा गॉट इट, आई आई जस्ट रिप्लाई दैट, ठीक है, अभी रिप्लाई करता हूँ। श्योर श्योर श्योर।